प्रथम पर्याय निर्वाचन हेउची आमे अछु मुजफ्फरनगर रे जोठी के लोक मानकर प्रतिक्रिया नबा से माने कहा को स्थिर करबे। पहले से आपको स्वागत है, इस बार किसको आप वोट दे रहे हो? हम तो भाजपा को दे रहे हैं जी, फूल को। क्यों दे रहे हो? अरे काम पे दे रहे हैं, सुरक्षा पे दे रहे हैं। आज पहले ये था स्थिति यहाँ पे, रात को दिन छिप तो ही पता लगा वहाँ चार बदमाश है, छह बदमाश है, खेत में जाने से लोग डरते थे। आज सुरक्षित है योगी की के नेतृत्व में, तो आज कोई दिक्कत नहीं कि खेत में रात को जाओ, दिन में जाओ, पैसे लेकर जाओ, खा ले जाओ, कोई कहने वाला नहीं है। और पहले यह स्थिति थी कि घर से बाहर निकलते लूट लेते लोग, तो हम तो उसको दे रहे हैं, उनके काम को दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं, हम तो काम को वोट देते हैं। काम इसलिए कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, पहले से बिजली फ्री थी, बिजली पहले से ज्यादा है, 24 आवर, एक आध घंटा भाग जाती है, 24 आवर बिजली है। और किसानों के बिल जो है ट्यूबवेल को बिजली के माफ करे, वो फ्री कर दी, जो सरकारी ट्यूबवेल है उनका कोई बिल नहीं देना, निजी कल को भी फ्री कर दिया है, निजी जो ट्यूबवेल थी में भी फ्री कर दीजिए 2023 से। और क्या चाहिए मुझे? और क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो रास्ते सड़क में नहीं, बिजली है, सड़क है, गुंडागर्दी खत्म है, कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से पहले अब 2026 में यहाँ जी 26 से क्या क्या डेवलप हुआ है? यहाँ डेवलप तो सारा यहाँ जे, किसी चीज कोई कमी रही नहीं है। सड़के सब बहुत बढ़िया, रास्ते बन रहे सारे के सारे, कोई कहीं परेशानी वाली है नहीं, किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, इतना अच्छा माहौल है अब तो। राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे, राष्ट्र आज अब हमारा पूरे संसार में देख लो, विश्व में अपने राष्ट्र की अलग ही छाप है, जहाँ भी जाते हैं अध्यक्ष अपने मोदी जी को मनाते हैं। पहले क्या था कि अलग के नारे कर दिए थे तो सब, तो हम तो राष्ट्र के नाम पर वोट दे रहे, विकास के नाम पर वोट दे रहे, सम्मान पर वोट मिल लीजिए, सुरक्षा सम्मान पे। सुरक्षा के लेकर पहले से थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं, बदमाश तो इंदा चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। योगी ने सब तार दिए नीचे, कोई जाए बदमाश नहीं रहा, खत्म हो गई सब पानी, कोई बदमाश नहीं रहा। योगी जी का वो आया उस दिन से बहुत अच्छा है, समुदाय के लोग लूटपाट करते थे, सुन बेटा, लूटपाट करते थे वे लोग, योगी ने लगड़े कर दिए, मठी को क्या मामला और क्या था, हमारा कोई आदमी बदमाशी नहीं करता, बदमाशी पर्टिकुलर एक ही आदमी था। आप ये देखे कहीं हमारे हिंदू इतिहास देख ली, किसी भी हिंदू राजा ने कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ बताओ, आज तक का इतिहास है, जिसने इन्होंने तोड़े, जितने मंदिर तोड़े वो भी इन्होंने ही तोड़े, हमने तोड़े किसी राजा, एक थम जाए किसी एक राजा का बताओ, किसी एक राजा हिंदू राजा ने अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई हो, वो मस्जिद तोड़ के मस्जिद मंदिर बनाओ, इन्हीं लोगों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। ये भावनात्मक हमारे हृदय से जुड़ी बात, हमारे धर्म की बात है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम सब खुशी शांति से हैं, दोनों वर्ग अब समझ चुके कि गवर्नमेंट क्या करती थी, ये करती थी भिड़ाने की राजनीति और ये करती है मिलाने की राजनीति। तो जो हमारा कैंडिडेट है वो सबसे मिलनसार है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जब तब से शांति है। आप ये देखिए कि राशन प्रणाली है, राशन प्रणाली सभी को बराबर मिल रही है, इसमें कोई बिरादरी देखी जा रही, कोई ऊंच नीच नहीं देखा, जिसका कार्ड है वो सबको मिल रही। दूसरा ये है कि मकान है, जिसपे छत नहीं थी, कच्चे मकान थे उसे छत बनाई, सबको मकान बनकर दिए, जितना दायरा है समय बढ़ता रहे बनता रहे, मतलब कोई भेदभाव नहीं सभी इसमें। तो जब भेदभाव नहीं था तो ठीक चल रहा, पहले यहाँ पे क्या था, शाहपुर चले जाते हम, यहाँ शाहपुर मतलब अगर सब्जी वाला भी गाड़ी देने लगा था, अगर उसे कहा भाई हमें सब्जी दे दे के नहीं लेता, अकेला भाग यहाँ से, बेइज्जती करता था, अब करा के दिखा दो। सिर्फ ये सर मोदी की तो योगी की तो मेहरबानी है। खेती में क्या विकास हुआ? खेती में तो अपना भाई जो चल रहा है 20 रुपए बढ़े, गन्ना है हमारा यहाँ तो मेन फसल, यहाँ गन्ना है, अदरवाइज नहीं है, और थोड़ी बहुत बोलते गन्ना मेन है यहाँ पे, गन्ना अपना चल रहा है 20 रुपए बढ़ के आगे फिर बढ़ जाएंगे सब गन्ने का रेट हमें जरूर चाहते हैं, जिसे 400 पार कह रहे तो हमारा गन्ना भी 400 पार होना चाहिए। दूसरी बात चौधरी जयंत चौधरी और प्लस बीजेपी, अब आजकल भेदी ना कुछ भी, जब जयंत चौधरी के आने से आप बहुत कुछ वोट बढ़ी, हमारी घटी नहीं है, पहले मतलब ये होता है कुछ उधर चले जाए उधर, लेकिन अब जयंत के आने से इस वेस्टर्न यूपी में सभी जिले, यहाँ के सभी जिलों में बहुत ज्यादा वोट बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ सब जगह सूखड़ा साफ है, बाकी का बीजेपी आएगी सब जगह। ये और बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? तो गन्ने की बात हुई, जैसा लाइन में लगे रहे थे 5-5 दिन गन्ना सूख जा था, अब तो गन्ना गेरो पेमेंट खाते में 15 दिन में तोल होती, वही वैसे आदमी थे उनका गन्ना गिर जाता, हम लोगों का रह जाता। बिल्कुल बिजली की सुनो, देखो पहले बैठो सुनो भाई सुनो,
पहले वार में एक हमारा सुनवाई रहे, पहले वार में यदि ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो वो कई कई हजार रुपए दे के आता था, कितने दिनों में ये गारंटी थी। अब आज ट्रांसफार्मर फूका अगले दिन आ जाता तो कोई पैसा नहीं देना, पर किसान को तो ये सुविधा है, किसान की सुविधा मुहैया करा रखी, 150 लाइट और क्या रहेगा, ये तो दिक्कत थी। मुजफ्फरनगर रे विकास है, चाष क्षेत्र कहतु इलेक्ट्रिक क्षेत्र कहतु जानवाहन जोजोग कथा कहतु समस्त क्षेत्र में विकास है, मुजफ्फरनगर वासी वर्तमान समय बीजेपी को सरकार आसापर मनोबल मुजफ्फरनगर रु कैमेरामैन आदित्य सह मनोज महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।